हेलो 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 कौन? कालू सिंह। कौन बोल रहे हैं? पारिस कादरी बात कर रहा हूँ। क्या बोले? पारिस कादरी बोल रहा हूँ। बोलिए, क्या बात है? कालू सिंह बात कर रहे हैं ना? हाँ, कालू सिंह बोल रहा हूँ। हाँ, मैं ये बोला, ईद हो गई, अभी क्या कर रहे हैं आप लोग? अभी भी चालू है गौरक्षक दल? हाँ, नहीं देखे, कल ही गाड़ी पकड़े हम लोग। कब पकड़ेगा? कल पकड़े। हाँ, तो अभी ये थोड़ा कंटिन्यू साल भर तक के रहने देना आपने, राइट? हाँ, 365 दिन। बिल्कुल, 365 दिन गाय की रक्षा करना है। राजा सिंह को भी बोलो घर में से निकले, थोड़ा बाहर आए, थोड़ा गाय रोडों पे। क्या राजा भाई तो करते ना, राजा भाई भी आते हैं, उन्होंने आके गौ रक्षा करते हैं। कब करते भाई? घर में दिखते खाली साल भर में एक बार दिखते तुम लोग? ज्यादा फोटो फिनिशिंग में नहीं आते उन्होंने। फोटो फिनिशिंग की बात ही नहीं रहती, खाली एक हफ्ते ईद के पहले एक हफ्ता स्टंटबाजी करना, वोट बैंक पे फर्क पड़ता है। उसके गाय गाय बोल के तो एमएलए बन गया यार उन्होंने। क्या बोला? गाय गाय बोलकर एमएलए बन गए। वो भी मैं बोला सेक्रेटरीट की मस्जिद के लिए भी जरा प्रोटेस्ट करो, लड़ो केसीआर से, मंदिर के लिए, सॉरी सेक्रेटरीट में मंदिर भी है। प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हम जो बोलेंगे केसीआर सुनेंगे। हम इशारे पे काम कराते हैं, तो मंदिर बनाओ ना यार। मंदिर का ऐसा तोड़ा दिए, इशारे पे टूटा होगा फिर गोशा महल के। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान में हिंदुओं की मंदिर ही बनेंगी ना। अरे तो मेरे भाई, मंदिर हिंदुओं मुसलमानों की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, धर्म की मैं ये बात कर रहा हूँ आप लोगों से। जो तुम स्टंटबाजी करते हो ना साल भर में एक बार, धर्म से मोहब्बत है वाकई में हिंदू धर्म से तुम्हारे को? मंदिर के मंदिर बनवाओ, मंदिर कपंती भाई, कपंती खाली फोगड़ भाई, स्टंटबाजी स्टंटबाजी, गाय 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 गाय। ईद निकल गई, अब खामोश घर पे बैठ गए साले तुम लोग। कौन बैठे खामोश घर पे? हम बैठे सबके सभी। और क्या है, पहले जैसा स्टंटबाजी करो ना। अब क्या है, पहले जैसा अभी बीफ एक्सपोर्ट है, मोदी गवर्नमेंट बीफ एक्सपोर्ट। अच्छा, बीफ एक्सपोर्ट होता है जो बहुत बड़ा ट्रक पकड़े हम कल। नहीं, बीफ एक्सपोर्ट भी होता है तो उसमें मोदी गवर्नमेंट रोक रही क्यों नहीं? फिर तुम्हारी सरकार है ना भाई, बीजेपी की। सब रोक रही होता, एक समय आता, समय के टाइम के समय कब आता? तुम्हारा पावर है, देखो जस्टिस। अरे हर चीज खरीद लिए तुम लोग, अभी एक्सपोर्ट नहीं रोक दिए। खाली तुम ही बोलेंगे क्या मेरी बात? बोलो 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 बिंदास बोलो भाई, सबको डेमोक्रेटिक राइट है बोलने का। बोलो, एक समय था बाबर की टूटी फूटी मस्जिद। देखो ये धर्म के ऊपर भी आ रहे, फिर तुम्हारी औकात तो है नहीं बात करने की। ये कैसा है, उसका फैसला हो गया ना। वो बाबर की टूटी फूटी मस्जिद तोड़ी। देखो ये चीज वही जहालत वाली लैंग्वेज। इससे क्या होगा, स्टंटबाजी करके तुम लोग फेमस होंगे सिर्फ, और कुछ भी नहीं होगा। मैं जो धार्मिक बात कर दो कम्युनिटी में मैं लड़ा रहा हूँ ना बाबर की टूटी फूटी। सुनो मेरी बात, मैं कोई धर्म के अगेंस्ट बोला। राम मंदिर बन गए, धारा 370 हट गया, 3 तलाक हट गया। वो था मैं क्या बोल रहा हूँ तुम्हारे सेक्रेटरी की मंदिर बनती है नहीं बनती? सेक्रेटरी की मंदिर का क्या हो रहा? 12 महीने गाय की रक्षा करने का है, रोडों पे गाय मर रहे वो देखो, सब स्टंटबाजी करके इस तरीके की जहालत जो है। हिंदुस्तान किसी की बात की जागीर नहीं है, एक्सेप्टेड। लेकिन तुम लोग जो साल भर हिंदुस्तान है, मेरा हिंदुस्तान है। कालू सिंह काम करो, साल भर से काम करो बुर्रू में। राजा सिंह को बोलो घर में से बाहर निकलो बोलना, काय कुछ चूड़िया पहन के घर में बैठ गया यार उन्होंने। कौन बोले राजा सिंह चूड़िया पहन के? राजा सिंह चूड़िया पहन के नहीं बैठता। अरे राजा सिंह चूड़िया पहन के बैठा तो काय को कहाँ गया राजा सिंह? मंदिर सेक्रेटरीट की मंदिर टूट गई, कहाँ गया राजा सिंह? अरे खाए तुम लोग कुछ भी नहीं, बड़बड़ सोशल मीडिया के वो तुम लोग रखो रखो सोशल मीडिया के तुम लोग रखो। मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इम्प्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबिट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। अगर हमारी न्यूज़ आपको पसंद आई है तो सबसे पहले शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फिर ख़ास तौर पे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।